हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आपकी आग, आइस का मतलब होता है आपकी बर्फ। अब जो फ्रॉस्ट है, उनकी ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन देती है। यहाँ पर जो फायर है वो रिप्रेजेंट करता है डिजायर्स को, आइस रिप्रेजेंट करती है हेट्रेड को, घृणा को। डिजायर्स मतलब आपकी विशेस, आपकी इच्छाएं। चलिए अब पोएट अपनी इस पोएम के थ्रू, फायर और आइस इस पोएम के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है और उनका कहना है कि ये जो वर्ल्ड है ये किस में एंड होगा, कैसे डिस्ट्रक्ट होगा, कैसे बर्बाद होगा, फायर में बर्बाद होगा। सम से इन आइस। बाकी दूसरे लोगों का क्या कहना है कि नहीं, फायर में नहीं होगा, ये आइस में होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है डिजायर का, मतलब फायर का, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर। तो पोएट कहते हैं जितना मैंने फायर और जितना मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मीन्स जितना मैं फायर और डिजायर के बारे में जानता हूँ, उस हिसाब से मैं तो फेवर करूंगा फायर का। मतलब ये फायर है ये एंड करेगी वर्ल्ड का, ना कि आइस करेगी। तो अभी पोएट का फेवर किसके लिए जा रहा है, फायर के लिए जा रहा है। फिर वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन अगर वर्ल्ड को दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार, पेरिश मतलब डाय होना है, डिस्ट्रक्ट होना है, डिस्ट्रॉय होना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो कहते हैं आई थिंक शायद मुझे फिर हेट के बारे में ज्यादा पता है। हेट यहाँ पर क्या है, हेट्रेड मैंने बताया था, हेट्रेड मतलब आइस, फायर मतलब डिजायर। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, के डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी चीज को बर्बाद होने के लिए आइस, तो आइस इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। तो एक जो आइस है वो भी एक बढ़िया ऑप्शन रहेगी, अगर दो बार ट्वाइसली वर्ल्ड को एंड होना है, डिस्ट्रक्ट होना है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट रहेगी आइस। तो पोएट यहाँ पर सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो ह्यूमंस हैं, उनके अंदर जो डिजायर की फीलिंग होती है, जो डिजायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर डिज़ायर रखेंगे, डिज़ायर वाली फीलिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर ये डिज़ायर वाले इमोशंस, फीलिंग्स अगर हमें ओवरपावर करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम हमें ही होगी और विनाश भी हमारा ही होगा। तो जो इमोशंस हैं, जैसे अगर डिज़ायर का इमोशन है तो वो लिमिट, कंट्रोल में होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका ही डिस्ट्रक्शन होगा। तो पोएट यही कह रहे हैं, यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन का डिस्ट्रक्शन, फायर का मतलब डिजायर। तो डिजायर के ज्यादा होने से जो वर्ल्ड है वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, यानी जो ह्यूमंस हैं वो डिजायर जैसे इमोशंस अगर उनमें बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनमें उनका खुद का ही डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरी बात पोएट कहते हैं आइस की। आइस किस चीज की फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रेड यानी घृणा की। अगर आपके ह्यूमन इमोशंस में हेट्रेड बहुत ज्यादा है आपके अंदर, ये इमोशन आपको अगर ओवर पावर कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका ही डिस्ट्रक्शन होगा और इसमें डबल डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हेट्रेड वाली फीलिंग अगर आपके दिल में होगी, आपके मन में होगी घृणा, तो आप अंदर से, मतलब इनर डिस्ट्रक्शन होगा आपका, एकदम अंदर से आप डिस्ट्रॉय होगे और बहुत धीरे धीरे होगे। तो धीरे धीरे जो डिस्ट्रक्शन होगा आपका, वो ज्यादा फायर के कंपेरिजन में ये ज्यादा अफेक्ट करेगा ह्यूमन को, ये ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। और इसी चीज का कंपैरिजन पॉइंट नेचर से लिंक करके कहते हैं कि अगर फायर, फायर पूरे वर्ल्ड को, अगर सब जगह जो हमारी अर्थ है उसके क्रस्ट में और पूरी अर्थ में अगर फायर, फायर ही चीजें हो जाए, बहुत ही ज्यादा फायर हो जाए, हीट अप हो जाए, तो क्या होगा, अर्थ का विनाश हो जाएगा, फिर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी अर्थ पर। तो और अगर दूसरी जगह जो ठंड है, मींस जो हेट्रेड है, जो आइस है, जितना ज्यादा टेम्परेचर लो चला जाएगा उतना ही ज्यादा ठंड क्या होगी, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाएगी कि अगेन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कोई भी लाइफ, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग अपनी लाइफ को पॉसिबिलिटी वहां पर लिव नहीं कर पाएगी, जी नहीं पाएगी। तो दोनों ही केसेस में नेचर से लिंक करके उन्होंने बोला है, चाहे फायर हो और आइस हो,
दोनों ही डिस्ट्रक्ट करेंगे, चाहे आपका हेट्रेड हो या फिर आपकी डिजायर हो, ये दोनों ह्यूमन इमोशंस और ये दोनों नेचर के एस्पेक्ट अगर एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पोएट अपनी इस पोएम के थ्रू यही मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं रीडर्स को कि हम लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ना तो हमें किसी से हेट्रेड करनी चाहिए और ना ही हमारे अंदर एक्सट्रीम डिजायर्स होने चाहिए। डिजायर्स बहुत ही माइन्यूट, छोटे छोटे माइनर डिजायर्स होने चाहिए, हल्की फुल्के, बट इतने नहीं होने चाहिए कोई भी इमोशंस जो हमारी बॉडी को ओवरपावर कर रहे हैं या हमारे मन को ओवरपावर कर रहे हैं। क्योंकि इमोशंस अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओवरपावर करेंगे तो हमारा ही डिस्ट्रक्शन होगा। So this is all about the poem. If you like my video, then like it, share it and subscribe it. Thank you.